और तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपको एकदम नए तरीके से कुछ इस तरह का फुल स्क्रीन स्टेटस लोगो बनाना सिखाऊंगा, वो भी पिक्सेल ऐप को यूज़ करके। तो आप भी अपने लिए फुल स्क्रीन स्टेटस लोगो बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। आपका टाइम ना वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर पिक्सेल ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपके यहाँ पर कोने में त्रिपल डॉट दिख रही, सिंपली इस पर टच कर देना है। और यहाँ से आपको यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से एक बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपके यहाँ पर सिंपल से 9.16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इसको नीचे खींच लेना है। और यहाँ से आपको राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और यहाँ से इसे हटा देना है। और यहाँ पर आप जो भी लोगों के अंदर लिखना चाहते हो उस नेम के यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जेपी एडिटिंग। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया है। फिर आपके यहाँ पर ए वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको फॉन्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से एक फॉन्ट को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर आपके यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से सेंटर में सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पे चला जाना है। और यहाँ से एक पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा पीएनजी यहाँ पर आ चुका है। और इसको यहाँ से सिंपल से राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर एक गोल वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको इरेज कलर का एक आइकन दिख रहा है, सिंपली इस पर टच कर देना है। और यहाँ से इसे अनेबल कर देना है। फिर आपके यहाँ पर यह थर्मोमीटर वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट को यहाँ पर सिंपल से ब्लैक एरिया पे सेट कर देना है। और यहाँ से आपको राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको टॉलरेंस को यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ से राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ से इसको सेंटर में सेट कर देना है अपने नेम के ऊपर। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पे चला जाना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको और एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर इरेज कलर का एक आइकन सिंपल इस पे टच कर देना है और यहाँ से इसको अनेबल कर देना है। फिर से आपके यहाँ पर थर्मोमीटर वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से इसको ब्लैक एरिया पे सेट कर देना है। और यहाँ से आपको राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको इसको टॉलरेंस को यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। और यहाँ से आपको राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ से इसको सेंटर में सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और यहाँ से इसे हटा देना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है स्टेटस एंड वीडियो क्रिएटर। आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से ए वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको फॉन्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपका डेज वाले फॉन्ट को ऐड कर लेना है। और यहाँ से इसे भी सेंटर में सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ से सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और यहाँ से इसे हटा देना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट। फिर आपके यहाँ पर आप चाहो तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से फॉन्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। और यहाँ से आपको सिंपल से ब्लॉगर सेंस बोल्ड का एक फॉन्ट मिल जाएगा, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पर सेंटर में सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और यहाँ से इसे हटा देना है। और यहाँ पर आपको लिख देना है फॉलो मी। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको सिंबल सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से फॉन्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको अमरनाथ बोल्ड वाले को सिलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ से इसको ओके कर देना है और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर सेंटर में सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर प्लस वाले पिन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पे चला जाना है और यहाँ से आपको और एक पेंज को ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा पेंज यहाँ पर आ चुका है और इसके यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ से इसे भी सेंटर में सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर कोने में एक बॉक्स दिख रहा है, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ से आपको गोल वाले पिन पे टच कर देना है और यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर डबल बॉक्स का आइकन दिख रहा है, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ से इसको मर्ज कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर फिर से बॉक्स वाले पिन पे टच कर देना है और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सेंटर में सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर गोल वाले पिन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक टेक्सचर का एक आइकन दिख रहा है, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ से आपको इस गोलेर वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से एक टेक्सचर को ऐड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टेक्सचर को ऐड कर दिया है। फिर आपके यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से इसको अनेबल कर देना है। फिर आपके यहाँ पर स्केल को यहाँ से थोड़ा माइनस कर देना है और इसको यहाँ पर कम से कम 50 तक कर देना है। फिर आपके यहाँ पर राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको शेडो वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से इसको अनेबल कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको ऑफसेट एक्स को यहाँ पर सिंपल से 4 पे कर देना है और यहाँ से वाई को भी 4 पे कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ से राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इस वाले बॉक्स पे टच कर दोगे तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। फिर आपके यहाँ पर सिंपल से प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको न्यू टेक्स्ट पे डबल टैप करना है और यहाँ से इसको हटा देना है और यहाँ पर आपको कैपिटल में लिख देना है आईजी। आईजी लिखने के बाद आपके यहाँ पर उस इस तरह से सिंपल दे देना है और यहाँ पर आपको अपना इंस्टा आईडी दे देना है। इतना लिखने के बाद आपके यहाँ पर सिंपल से ए वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको फॉन्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक आर्मर रेस्लर का एक फॉन्ट मिल जाएगा, सिंपल इस पर टच कर देना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको कलर वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से इसको ब्लैक कलर पे सेट कर देना है और यहाँ से इसको राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ से इसको सेंटर में सेट कर देना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा लोगो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करने है तो यहाँ से आपको सिंपल से फाइल वाले आइकन पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा लोगो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करने है तो यहाँ से आपको सिंपल से फाइल वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से आपको सेव एज इमेज पे टच कर देना है और यहाँ से आपको डिफॉल्ट वाले आइकन पे टच कर देना है और यहाँ से इसको अल्ट्रा कर देना है और यहाँ से आपको सिंपल से इसको सेव टू गैलरी कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा लोगो यहाँ पर सेव भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।